देश की राजधानी दिल्ली के लोगों में कितना गुस्सा है ये तो हम सब जानते हैं और इसकी कई मिसालें हम पहले भी देख चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं। ठीक उसी तरह अब दिल्ली के बच्चे भी काफी ज्यादा गुस्सैल और अग्रेसिव हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में स्कूलों से सामने आई हिंसा की घटनाओं ने सभी को परेशान कर दिया है। अब इसकी मुख्य वजह क्या है इस पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि इंटरनेट और फोन के बेहिसाब इस्तेमाल से बच्चों की सोच काफी हद तक बदल चुकी है। अब बच्चे बच्चे नहीं रहे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव। इस गंभीर विषय के साथ दिल्ली से सामने आई कुछ जानकारियों के मुताबिक यहाँ के स्कूलों में हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ही एक साथी को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इसी साल 11 जनवरी को भी एक स्कूल के बाहर हुए बच्चों के आपसी झगड़े में 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इसी तरह की खबरों से रोजाना अखबारों के फ्रंट पेज और न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग्स भरी पड़ी रहती है। शाम को डिबेट होती है, खबर छपती है, बस बात खत्म। मुद्दे की जड़ तक उतरने की कोई कोशिश भी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर गहराई में उतर कर देखा जाए तो समझ आ जाता है कि स्कूलों में बढ़ती बदमाशी एक गंभीर रूप लेकर हिंसा में बदल जाती है और स्कूल प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहता है, क्योंकि स्कूल के अंदर का मामला है और बच्चे भी ज्यादातर नाबालिग होते हैं तो पुलिस भी इसमें कुछ खास कर नहीं सकती। लिहाजा बच्चों को किसी का कोई खौफ नहीं रहा, उन्हें जो करना है वो करके रहेंगे। तो ऐसे में चार बड़े सवाल हैं जो जहन में आते हैं, वो ये कि क्या हो गया है आज की जनरेशन को, क्यों बच्चे इतने अग्रेसिव हो गए हैं, आखिर इसकी वजह क्या है और क्यों ऐसी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो इन तमाम सवालों को लेकर जब हम मानसिक स्वास्थ्य और बाल कल्याण के विशेषज्ञों से मिले तो ये जानने की कोशिश की कि इन हिंसक घटनाओं के पीछे आखिर वजह क्या है, क्योंकि जो जानकारी पुलिस से मिली उसके मुताबिक इस तरह के ज्यादातर मामले सरकारी स्कूलों से ही सामने आए। ज्यादातर मामले प्राइवेट से भी आए हैं लेकिन ज्यादातर सरकारी स्कूलों से सामने आए हैं। किसी को छेड़ना या धमकाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इससे न सिर्फ पीड़ित के दिमाग पर असर पड़ता है बल्कि आसपास के लोगों पर भी इसकी गहरी छाप पड़ती है। एक एक्सपर्ट ने माना कि इन दिनों फोन के ज्यादा इस्तेमाल ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। फोन के इस्तेमाल से सभी जानकारियां चूंकि बेहद आसानी से मिल जाती हैं एक क्लिक पर, इससे बच्चों की सोच एक तरफा हो जाती है। अब यहां पर दूसरों की राय जानने या दूसरों की बात सुनने की शक्ति बच्चों में कम होती चली जाती है। इंटरनेट पर जो जानकारी मौजूद है, आधी अधूरी या फिर अश्लील चीज़ें, ऐसी जानकारियों ने बच्चों को जितना एक्टिव बनाया है तो उतना ही अग्रेसिव भी बना दिया है। बच्चे छोटी सी उम्र में ही इतना कुछ देख लेते हैं कि उनकी पूरी सोच बदल जाती है और इसी के चलते उनकी हरकतों में बदलाव होने लगता है। जो मासूम बच्चे पहले मासूम हुआ करते थे, सेंसिटिव हुआ करते थे, वो अब ज़्यादा पर्सनल, अटैकिंग और अग्रेसिव हो चुके हैं। हमने इस बारे में साइकियाट्रिस्ट से भी बात की तो जब बात की तो हमने ये पाया कि बिना किसी गाइडेंस के बच्चे इंटरनेट पर कुछ भी देख रहे हैं, ये उनके सोशल नेचर, हेल्थ और इमोशंस के साथ खिलवाड़ जैसा है। अब देखिए, यहाँ पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि इंटरनेट पर जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उससे बच्चों की मेंटालिटी पर, उनकी सोच पर गहरा असर पड़ रहा है। वो सही गलत तय करने की उम्र में नहीं होते, वो जो देख रहे हैं उसे ही सच मान लेते हैं, उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है। अब हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ ना तो सोशल मीडिया को लेकर कोई अवेयरनेस है और ना ही दिखाए जाने वाले कंटेंट पर कोई लगाम है। और लॉकडाउन के बाद से तो बच्चों के पास फोन रखने का ऐसा चलन शुरू हुआ कि पूरी जनरेशन ही हाथ से निकलती जा रही है। छोटे बच्चों को उनके माता पिता सही गलत के बारे में समझाते नहीं, वक्त नहीं होता क्योंकि वक्त की कमी है उनके पास, वो भी क्या करें, ये दलील दी जाती है। चूंकि महंगाई है भाई और इस दौर में माता पिता दोनों को कमाना पड़ता है, खुद बिजी होते हैं, इसलिए बच्चों को टाइम पास के लिए, दिल बहलाने के लिए वो सवाल ना उठाए इसके लिए हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं और सोचते हैं उनकी परेशानी का ये सबसे आसान रास्ता है, उनकी समस्या हल हो गई क्योंकि बच्चा चुप हो गया। लेकिन चुप होकर वो बच्चा उस फ़ोन में क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या देख रहा है, कैसी जानकारियाँ उसकी सोच को ख़राब कर रही हैं, विकृत कर रही हैं, ये जानने का वक्त ही नहीं है कई माँ बाप के पास। यही बात आगे चलकर न सिर्फ अभिभावक बल्कि बच्चों और समाज के लिए भी परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि बच्चे इंटरनेट से जो कुछ भी देखते हैं या सीखते हैं उसका अपने ही घर में फिर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। छोटे भाई बहन या सोसाइटी में दोस्तों के साथ दांव पेच लड़ाते हैं और खुलते चले जाते हैं। अब सच कहें तो इंटरनेट ने बच्चों की जो मासूमियत थी वो छीन कर उन्हें अभी से बड़ा बना दिया है। आज आप और हम से ज़्यादा जानकारियाँ छोटे बच्चे रखते हैं। आप देखिए, घर में आप कुछ भी बोलिए, तपाक से बच्चा जवाब देगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है,
उसे नहीं पता कि जो उसे पता है वो सही है गलत, राय है उसके पास, क्योंकि वो कंज्यूम कर चुका है इंटरनेट। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने कुछ एग्जाम्पल देते हुए बताया कि न सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बल्कि निजी स्कूलों में भी कई तरह के अजीबोगरीब मामले सामने आते रहते हैं। कहीं स्कूली बच्चे अपने टीचर्स के बिहेवियर से परेशान हैं, तो कहीं टीचर्स बच्चों से परेशान। कुछ मामले में तो स्कूली बच्चे अपने टीचर्स या दूसरे बच्चों के साथ मिसबिहेव करने तक से नहीं कतराते, तो वहीं कुछ बच्चों को स्कूल से निकाला तक जा चुका है। जब इस बारे में हमने साइकियाट्रिस्ट से पूछा तो कहते हैं कि कई बार जो धमकाने वाला बच्चा है, जो धमका रहा है, वो तो ये तक नहीं जानता कि उसने दूसरे बच्चे को कितनी जोर से धमकाया है या कितनी जोर से मारा है। बच्चा है। उनका मानना है कि बच्चों को लेकर ये गंभीर समस्या ऐसे नहीं सुलझाई जा सकती। ये समस्या आज हमारे समाज में बेहद विकराल रूप ले चुकी है, बेहद विकराल रूप। इसे सुलझाने के लिए स्कूलों और परिवारों को एक साथ आना होगा, माँ बाप को जिम्मेदार बनना होगा। माँ बाप जो मोबाइल बच्चे के हाथ में पकड़ा रहे हैं, साथ ही साथ कई ऐसे ऐप आ गए हैं जिसमें आप कई कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं, कंटेंट पर लगाम लगा सकते हैं। बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं, और ये आपको करना होगा। सिर्फ मोबाइल पकड़ा देने भर से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, आपका बच्चा क्या देखे ये भी आपको तय करना होगा, और वो क्या देख रहा है उसको देखकर बच्चा किस मानसिकता से गुजर रहा है इसे भी आपको समझना होगा, और इसके लिए भी आपको वक्त निकालना होगा। तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम, यानी स्कूल घर वालों को कहे और घर वाले स्कूल पर इल्ज़ाम लगाएं, इससे दोनों का ही नुकसान होगा। दोनों को बिना किसी भेदभाव के इस पर मिलकर काम करना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अपने बच्चों के बिहेवियर और उनके पैटर्न को समझिए, उनसे बातचीत कीजिए। अगर बच्चा अग्रेसिव हो रहा है तो आपको शांत होना होगा, समझना होगा उसकी बात को। अगर बच्चा डरा सहमा है तब भी उसके मन की बात समझकर उसका हल निकालना होगा। कई बार बच्चे ऐसे हादसों से गुजरते हैं जब वो हादसे अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उस पर असर पड़ता है। अब वो बच्चा किस तरह से फिर निकल कर सामने आएगा, वो बच्चा क्या करेगा, ये आप नहीं जानते। इसलिए बच्चों को वक्त वक्त पर काउंसलिंग करना, सही काउंसलर के पास ले जाना, और काउंसलर के पास ले जाना कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसको हम लोग अभी भी कई बार काउंसलिंग को मानसिक बीमारी से जोड़ के देख लेते हैं। जैसे आपके पेट में तकलीफ है, पेट खराब है, सिर में दर्द है, सिर दर्द हो रहा है, वैसे ही अगर बच्चे की मानसिकता में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी एक 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 तरह का एक रोग पनप रहा है। उसके लिए अगर आप उसके एक्सपर्ट के पास जाकर उसका समाधान तलाश लेते हैं तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। सबसे पहले माँ बाप अवेयर हों कि बच्चों की मानसिकता को कैसे हेल्दी बनाएं। स्कूल स्टाफ के टच में रहें, बच्चों की रिपोर्ट लेते रहें, घर में दोस्तों जैसा माहौल बनाएं, वहीं स्कूल में भी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाकर रखें ताकि बच्चे आपस में बात करने से हिचकिचाने की जगह आपस में खुलकर बात करें, अपने विचार आपसे साझा कर सकें। थोड़ी ये प्रैक्टिस शुरू में मुश्किल ज़रूर हो सकती है, नामुमकिन नहीं है। आखिर माता पिता बच्चों की मुस्कुराहट देखकर ही तो अपना स्ट्रेस भूलते हैं, और अगर घर में बच्चे ही खुश नहीं होंगे तो फिर आपको भी चैन कैसे मिलेगा। इस बारे में एक बार सोचिएगा ज़रूर, अगर आप सोचेंगे हल भी जरूर निकलेगा, और आपका बच्चा एक हेल्दी, एक स्वस्थ माहौल में एक जिम्मेदार, एक बढ़िया नागरिक बनकर तैयार होगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।